जावेद हुसैन है, आई एम जनरल मैनेजर इन जेनिक्स फार्मा। और इस वक्त हम तमाम लोग जो है सिर्म इनफर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, और जेनिक्स फार्मा ने भरपूर अंदाज में इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो सबसे बड़ा मकसद है, ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, वो ये है कि ये जितने एकेडमिक सेशंस होते हैं, और ये इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एकेडमिक सेशन इन पाकिस्तान, तो इसमें पार्टिसिपेट करने का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि जी हम जो नॉलेज यहाँ डिसमिनेट की जाती है, जिससे लोग सीखते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको फैलाएं, उसको सपोर्ट करें, ताकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो न्यू डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे लर्न कर सकें। तो मकसद हमारा सिर्फ ये होता है कि हम इतने बड़े फोरम को सपोर्ट करें जस्ट टू डिसमिनेट द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जो के करंटली अवेलेबल हैं दुनिया में, और पाकिस्तान के डॉक्टर्स को भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। जेनिक्स फार्मा के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जेनिक्स फार्मा 2005 से तकरीबन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, डिकेड्स हो गए इसे काम करते हुए, और 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम लोग अवेलेबल हैं माशाल्लाह से इंटरनेशनली। सो हमारा जो मोटो है पाकिस्तान में काम करने का एज ए जेनिक्स, एज ए जेनिक्सियन माशाल्लाह, वो एक थीम पे बेस करता है, दैट इज़ क्वालिटी। सो वी बिलीव इन क्वालिटी, और क्वालिटी न सिर्फ प्रोडक्ट्स में बल्कि सर्विसेज में, और स्पेशली सर्विसेज वो जो एकेडमिक्स को सपोर्ट करें पाकिस्तान लेवल पे, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात, दुनिया में तो बहुत काम हो रहा है एकेडमिक्स पे, लेकिन पाकिस्तान में होना भी चाहिए। और जेनिक्स फार्मा हमेशा से, मेरा ख्याल है बैक टू बैक एक साल हो गया है हमें इस गायनी सेगमेंट में इन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हुए, कंटिन्यूस बैक टू बैक, लेकिन 2005 से ये सिलसिला जारी है, और 2005 से हम जो है ना इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मकसद सिर्फ यह है कि नॉलेज चंद लोगों के पास नहीं रहनी चाहिए, इसको पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए, और जेनिक्स फार्मा अगर इसमें कुछ सपोर्ट करती है तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। सो थैंक यू वेरी मच।